दोस्तों मैं शुरू से में आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल एक बहुत ही मिरेकल रेसिपी। अगर आप इसका एक पीस मॉर्निंग में या रात को सोते समय खा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो नॉर्मली सर्दियों से हम दो चार होते ही रहते हैं वो सब दूर रहेंगी। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही मॉइस है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। और फ्रेंड्स, ना तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया है, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी लिया है। काजू और बादाम का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, यानी एकदम सस्ते में आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और फ़ायदे इसके कितने हैं वो वीडियो में मैं आगे शेयर करूंगी। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस बहुत ही मिरेकल रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 50 ग्राम जितने मखाने। मखानों को अच्छे से साफ कर लिया है, ब्लैक स्किन हटा दिया है। दोस्तों, मखानों में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसे डेली खाते हैं तो आपको दिल की बीमारियाँ या नॉर्मली जो किडनी की परेशानियाँ हो जाती हैं वो सब आपको नहीं होंगी। आपको इंस्टेंट ये एनर्जी देता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम मखानों को हल्का सा भून लेंगे और उसके लिए मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून जितना देसी घी। फ्रेंड्स, मखाने का क्या है, आप इसे चाहें तो बहुत सारे घी में एकदम बढ़िया सा तल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा घी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आप चाहते हैं कि घी बिल्कुल भी ना डालें तब भी आप इसे अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं और तब भी ये बढ़िया सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस ज़रूरत के हिसाब से देसी घी लेते हैं क्योंकि हम इसे बनाएंगे टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी। और करीब 4 से 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर हम मखाने को बढ़िया सा भून लेंगे, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, काफ़ी क्रिस्पी सा हो जाएगा। बस फ्लेम पे आपको ज़रूर निगाह रखना है कि आप फ्लेम रखें एकदम मीडियम से लो के बीच में। और देखिए 4 से 5 मिनट हुए, मखाना बढ़िया सा हमारा क्रिस्पी हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे माइक्रोवेव कर लें तो करीब 2 मिनट के लिए आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं। मखाना बढ़िया सा क्रिस्पी हुआ, निकाल लिया और उसी में हम डाल देंगे फिर से 1 टेबल स्पून जितना देसी घी। और ये मैंने लिए हैं फ्रेंड्स खसखस 2 टेबल स्पून जितना। दोस्तों, खसखस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें काफ़ी सारा प्रोटीन और फाइबर होता है। कई बार जो नींद की दिक्कत हो जाती है उसके लिए भी पॉपी सीड यानी कि खसखस बहुत फ़ायदा करता है। और उसके बाद मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून जितने मगज़ यानी कि खरबूजे के बीज। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून जितने मैंने ले लिए हैं तरबूजे के बीज। और दोनों को डालकर इसी घी के साथ हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और अगर आप थोड़े से घी के साथ बीजों को गर्म करते हैं तो ये चटकते नहीं हैं। उसके बाद हम लेंगे सर्दियों का एकदम अमृत और वो है फ्रेंड्स सफ़ेद तिल। सर्दियों में सफ़ेद तिल खाइए, बहुत ही गर्म होते हैं। कई बार जब यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए भी ये सफ़ेद तिल बहुत ही फ़ायदा करते हैं। तो गर्मियों में होता है ना कि गजक नहीं आती है, लेकिन सर्दियों में गजक आती है। तो बस उसका यही रीज़न है कि गुड़ हो, तिल हो, ये सब चीज़ें सर्दियों में बहुत फ़ायदा करती हैं। और बस इसी थोड़े से घी के साथ मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छा सा भून लिया है, काफ़ी अच्छी अब इसमें से खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे एक और स्पेशल चीज़ और वो है फ्रेंड्स किशमिश। अगर आप डेली किशमिश खाते हैं ना तो आपका वज़न भी कम होगा। फ्रेंड्स, किशमिश में वैसे तो बहुत ही अच्छी अच्छी और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन कई बार होता है ना स्वीट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है। अगर आप किशमिश खाते हैं तो ये ऑलरेडी इतनी मीठी होती है कि आपकी स्वीट की जो केविंग है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसे आपको लास्ट में ही डालना है, अगर आपने स्टार्टिंग में डाल दिया तो ये किशमिश एकदम से ख़राब हो जाएगी, काली काली सी हो जाएगी। और ये मैंने लिया है गुड़ों का खजाना ओट्स। ओट्स के कितने फ़ायदे होते हैं ये हम दादी नानी से हमेशा सुनते ही आए हैं। हाई ब्लड प्रेशर में आराम करता है, डायबिटीज़ में आराम करता है, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको कब्ज़ रहती है उससे भी छुटकारा दिलाता है, आपकी स्किन में ग्लो लाता है और वज़न तो कम करता ही है। कई बार क्या होता है ना कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है तो ये डिप्रेशन को भी काफ़ी हद तक दूर करता है। और फ्रेंड्स, ओट्स को भूनते हुए आपको कढ़ाई में घी, चिकनाई कुछ भी नहीं डालना है, बस मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कढ़ाई में आप ओट्स डालें और उसे अच्छे से भून लें। ओट्स बहुत ही जल्दी सिककर तैयार हो जाता है और जब ये सीख जाएगा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा और ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस ओट्स भी तैयार है, उसे भी एक अलग प्लेट में कर लिया। और फ्रेंड्स, अब आप देखिए हमारी सब चीज़ें एकदम बढ़िया सी तैयार हो चुकी हैं, मखाना काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। तो मखाने को हम हल्का सा दरदरा सा कर लेंगे और देखिए एकदम क्रिस्पी मखाना है। और जो ओट्स हमने लिया था
इसे एकदम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। और ये तो बेचारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हें हम ऐसे ही रहने देंगे, ना हम इन्हें मिक्सी में डालेंगे और ना ही चॉपर में डालेंगे। और उसके बाद फिर से कढ़ाई ले ली और अब मैंने डाल दिया फाइनली फिर से इसमें 2 टेबल स्पून जितना देसी घी। फ्रेंड्स इसमें आपको सिर्फ 4 टेबल स्पून के करीब घी लग जाएगा, 5 लगा सकते हैं। और इसमें डाल दी 2 टेबल स्पून जितनी अजवाइन, और अजवाइन को मैंने पहले हल्का सा दरदरा कर लिया है, यानी कि मिक्सी में डालकर उसे कुछ देर के लिए मैंने चर्न किया, कुछ सेकंड के लिए, और अजवाइन तैयार हो गई है। और उसके बाद मैंने लिया 1 टेबल स्पून जितना जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। सर्दियों के लिए ये चीज़ें एकदम बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। आपको सर्दी जुकाम की दिक्कत हो, आपको कब्ज की दिक्कत हो, कई बार होता है सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उन समय ये बहुत ही फ़ायदा करने वाली हैं। और ये चीज़ें फटाफट से भुनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें पहले डालेंगे 1/2 कप जितना पानी और इसमें आने देंगे एक बढ़िया सा उबाल। और आप देखेंगे आपका जो पानी है ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा लगने लगेगा, उसी समय आप इसमें डाल दीजिए 200 ग्राम वजन करके गुड़, क्योंकि फ्रेंड्स हमने 100 ग्राम तो ओट्स लिया था, 50 ग्राम मखाने लिए थे और बाकी की चीज़ें भी हमारी 50 ग्राम के करीब हैं। तो उस रेशियो से आप इसमें 200 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। और अगर आप मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं, गुड़ है फ़ायदा ही करेगा। और अगर कम खाते हैं तो आप थोड़ी सी मात्रा कम कर सकते हैं। और गुड़ देखिए मेल्ट हो गया है, और उसके बाद हम 1/2 कप पानी और डाल देंगे। ओवरऑल हमें इसमें 1 कप पानी डाल देना है, 200 ग्राम गुड़ 1 कप पानी। और ये देखिए गुड़ पानी अच्छे से मिक्स हुए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो ओट्स का आटा हमने बढ़िया सा बनाकर तैयार रखा था, ये आटा डाल देंगे। बस आटा डालते जाइए, साथ के साथ मिलाते जाइए, जिससे इसमें लम्स वगैरह ना पड़े, क्योंकि हमने आटे में घी नहीं डाला था। और इसे डालने के बाद आप इसका टेक्सचर देखिए एकदम चेंज हो गया है। और अब ये डाल दिए मखाने, और उसके बाद में ये अपने छोटे छोटे से खसखस, तेल, मगज़ वगैरह डाल दिए, और इन सबको कर लेते हैं अब मिक्स। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ये फटाफट से डो की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। तो बस अब फ्लेम को आप एकदम या तो स्लो रखें, अगर आप बिगनर हैं तो बंद ही कर दें। और ये देखिए बस अब मैंने इसे मिक्स भर किया है, और हमारा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये बर्फ़ी बनाने के लिए, चक्की बनाने के लिए डो तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि इसके लड्डू बनाएं तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, और वरना मेरी तरह आप इसके फटाफट से इसे जमा दीजिए, फटाफट जम के तैयार हो जाएगा, टाइम बहुत ही कम लगेगा। तो बस उसके बाद मैंने एक कटोरी ली जिसका जो नीचे का सरफेस है हल्का सा चिकना कर लिया, जिससे ये स्टिक नहीं होगा, और इस तरीके से हल्का हल्का दबा कर हम इसे सेट कर लेंगे। और ये लीजिए सेट होकर तैयार हो गया है। इसे जमने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें डाला है ओट्स, तो थोड़ी गार्निशिंग कर देते हैं हरे पिस्ते के साथ में। और आप चाहें तो कुछ भी ना डालें, ऐसे ही ये बहुत टेस्टी है, और इतने से पिस्ते से इसमें ना तो कोई टेस्ट बढ़ने वाला है। हल्का सा पिस्ते पे भी प्रेस कर देते हैं, जिससे वो बाद में निकलेगा नहीं। और उसके बाद फ्रेंड्स बारी है इसे 1 घंटे के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ने की, और 1 घंटे बाद ही ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो चलिए 1 घंटे के लिए रख देते हैं। और ये लीजिए 1 घंटा हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो प्रोटीन बार है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। एक नाइफ लिया और इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। आप इसके जो बार हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से कट ना करें, छोटे छोटे साइज़ के कट करें, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें बहुत सारे मसाले डाले हैं, तो बस सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो अब बारी है इन्हें अलग करने की, और आप देखिए इजीली ये अलग हो जाएंगे। और फ्रेंड्स आप इनका टेस्ट भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। और इसके साथ ही अब आपको पता है कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। सर्दियों में आप इन्हें बनाइए, इन्जॉय कीजिए, सर्दी में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से दूर रहिए। अब आपके बच्चे हों या आपके यहाँ बुज़ुर्ग हों, आप ये सबको दे सकते हैं, सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये तरीका, ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, विंटर में इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, और फीडबैक में मुझे भी बताएंगे कि आपको ये प्रोटीन बार की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।